हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनु श्रीवास्तव, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल मेंटल पॉइंट। आज हम देखेंगे क्लास 10 के मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलीनियर। तो हम इन तीनों पॉइंट को कोलीनियर मतलब बताना है। तो कोलीनियर क्या होता है हमारा, मतलब कोलीनियर ये होता है जो दो साइड का सम हो वो तीसरे साइड के इक्वल हो, मतलब जो ए बी प्लस बी सी का सम हो वो ए सी के इक्वल हो, मतलब दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम पॉइंट ए तो 1.5 में रहेंगे, पॉइंट बी टू 2.3 एंड पॉइंट सी टू -2, -11। फिर हम और डिस्टेंस फार्मूला रहेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है S2 - S1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। तो पहले उससे पहले हम एक यहाँ पे लाइन बना देंगे, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। पॉइंट ए को यहाँ ले देंगे 1.5, 2.3 एंड सी -2, -11। तो पहले हम तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी का, फिर हम तो ए सी का। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये हमारा S1 Y1 हो जाएगा, ये हमारा S2 Y2 हो जाएगा। ठीक है, तो S2 मतलब 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5, तो बड़े में से छोटे तो छोटे में से बड़े तो माइनस रहेंगे, तो साइन माइनस आ जाएगा और 3 माइनस 5 2 आ जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 का प्लस रहेंगे तो √5 आएगा। तो इस टाइम से आ हमारा √5 ए बी। फिर हम बी सी का डिस्टेंस ले लेंगे, इस टू S1 रेंज, इस टू Y1, इस टू S2 Y2। ठीक है, अब बी सी का डिस्टेंस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर, मतलब S1 और Y1 का होल स्क्वायर, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ये -2 - -2 का होल स्क्वायर। फिर Y2 - Y1 का होल स्क्वायर, तो -11 का और -3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस रहेगा, वह रहेगा 4 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस, तो 11 प्लस 3 14 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 और 14 का होल स्क्वायर 169। कुछ जब ऐड 10 तो ये आएगा √2212, मतलब 212। जब सॉल्व करेंगे √2 से तो ये आएगा √2 53। तो बी सी टेंसर आ जाए √2 53। अब ए सी देखते हैं, इस टू S1 Y1, इस टू S2 Y2। तो S1 S2 -2 -2 और S1 हमारा 1 है, तो -2 - -1 तो होल स्क्वायर प्लस S2 - 11 - -5 का होल स्क्वायर। तो प्लस हो जाएगा ये 3, 2 माइनस और ये 1 माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी प्लस हो जाएगा, ये 16 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 16 का 256, तो प्लस है, तो ये आएगा 265। तो हम तो देखना है जो ए बी और बी सी का सम है वो ए सी के बराबर है कि नहीं। तो ये ए बी, ये जो हमारे पॉइंट्स है ये हमारे कोलीनियर नहीं है, जो ए बी प्लस बी सी का सम है वो हमारे ए सी के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं, ए बी का सम हमारा √5 आ रहा है, बी सी का 2 √53 और ए सी का 265। तो ए बी प्लस बी सी का सम जो है हमारे ए सी के इक्वल नहीं है, तो हैंस द डिपेंड पॉइंट आर नॉट कोलीनियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।